सो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर सीटेट 2018 जो हमारा 2018 में पेपर आ चुका है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो अलर्ट टू नो, अलर्ट टू डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट। हेरिडिटी होता है बेसिकली जो हमें अपने पूर्वजों से जो हमें जीन्स के थ्रू जो कुछ मतलब एक इफेक्ट मिलता है उसको हम हेरिडिटल इफेक्ट कहते हैं, एंड एनवायरनमेंट जो हमारा अभी प्रेजेंट एनवायरनमेंट सोशल जो हमारा सोशल जो एक ओरा बना हुआ है इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे एनवायरनमेंट में आती है। सो इसमें नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें किसी एक स्टेटमेंट को देखना है जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के लिए करेक्ट होगा। सबसे पहला ऑप्शन है, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि कुछ एस्पेक्ट जो लाइफ के इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के कुछ हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है और कुछ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है। सही बात है, जो एक इंडिविजुअल बनता है ना, जो मान लो ये मैन है, ये मैन बनेगा हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है, ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइड बाय जीन। जो एक चाइल्ड है उसमें जो उसके लाइफ स्किल्स है जैसे वो परफॉर्म करता है वो सब उसके जीन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, ए गुड केयर एंड न्यूट्रिशन डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्ड इज बोर्न विद। जो अच्छी केयर, अच्छा जो उसका न्यूट्रिशन है वो हर डिसऑर्डर को ठीक कर सकता है। अगर मानो कि एक जो बेबी है वो मेंटली थोड़ा रिटार्डेड बोर्न हुआ है तो उसको हम प्रॉपर केयर, प्रॉपर डाइट से हम उसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास, इन्वायरमेंट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो इन्वायरमेंट होता है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ये हो सकता है, लेकिन हमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम पहला देखिए, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, मतलब इन्होंने हेरिडिटी को एनवायरनमेंट को दोनों को इम्पोर्टेंस दी है प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू जीन्स प्याजे थ्योरी। जो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जीन प्याजे की थ्योरी से नहीं मिलता, ठीक है। तो डेवलपमेंट अकर इन क्वालिटेटिव स्टेज। सेकंड है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। थर्ड है, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। फोर्थ है, चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप बताइए जीन प्याजे का एक कौन सा सिद्धांत नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब उनकी थ्योरी का कौन सा एक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट अगर इन क्वालिटेटिव स्टेज, देखिए सबसे पहले उन्होंने तो कहा ही था कि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव स्टेज में होता है। जैसे आप उनकी स्टेजों को ऐसे याद कर सकते हो, उनकी स्टेजों को याद करने के लिए SPCF, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। इनके हम इस ईयर भी याद कर सकते हैं, 0 to 2, इसका प्री ऑपरेशनल का 2 to 7, कंक्रीट ऑपरेशन का 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल का 11 एंड अबव, ठीक है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो ऐसे। ये तो पता चल गया कि एज के स्टेज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू प्याजे। सेकंड ऑप्शन में, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, कि जो चिल्ड्रन है वो अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी देखा है कि प्याजे ने बच्चे को रेडिकल कंस्ट्रक्टर बोला है कि वो खुद ही अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। इन्होंने कहा कि जब तक रिग्रेस प्रैक्टिस नहीं होगी, बच्चा उसको प्रैक्टिस करता नहीं रहेगा तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। ये तो हमने कहीं, मुझे लग रहा कि प्याजे की थ्योरी में कभी नहीं पढ़ा, तो ये गलत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही सही होगा क्योंकि उसने पूछा कैन नॉट, ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। अब देखो ये प्याजे की थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन लगातार इसी से हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। तो अब प्री ऑपरेशनल की मुझे वो बताइए किस एज से किस एज तक होता है।
प्री ऑपरेशनल थर्ड स्टेज है, नहीं सेकंड स्टेज है, टू टू सेवन ईयर, ठीक है। तो उसका क्या नहीं है नोट, मतलब कौन सा प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसका थॉट नहीं है। तो आप इसमें पहला ऑप्शन देखिए, टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक थॉट्स, थर्ड है इगोसेंट्रिज्म एंड फोर्थ है इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अब बताइए सेकंड जो स्टेज है उनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें से कौन सा इसका थॉट नहीं है, बताइए। सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड, डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक थॉट्स, बच्चा अभी सिम्बॉलिकली चीज़ों को नहीं समझ पाता। टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, वो कंसंट्रेट कर सकता है। अब देखिए इगोसेंट्रिज्म, वो खुद अपना खुद बेनिफिट देखा कि मैं मुझे क्या मिल रहा है, इगोसेंट्रिज्म आ जाएगा उसमें कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ बहुत ज़्यादा। इरिवर्सिबिलिटी, वो दोनों मतलब अगर उसने सीधा सोचा है तो वो वापस उसको बैक भी सोच सकता है, ठीक है। बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन पे, प्ले हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन, एक्सेप्ट। अब इसमें एक्सेप्ट, नॉट, कैन नॉट, ये वाले क्वेश्चन बड़े हमें ध्यान से पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है प्ले हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन, एक्सेप्ट, समझे। तो बढ़ते हैं, अब सब गेम तो सब खेलते हैं, अब उसकी देख लेते हैं। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, मतलब बॉडी पे एक अच्छी कमांड कर लेते गेम से, सही है, ये हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा इट स्टिमुलेट देयर सेंस, उसमें सेंस ऑर्गन का भी एक काफ़ी अच्छा वो हो जाता है, उससे कमांड हो जाती है। थर्ड है इट जस्ट अ वे, इट जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये टाइम स्पेंड करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये कौन सा बात है, टाइम स्पेंड, बच्चे अलग अलग तरीके होते हैं सबके लिए, ठीक है। तो ये तो इसका नहीं होगा, तो इन्होंने एक्सेप्ट पूछा तो हमने इसका थर्ड आंसर सही लगाया, क्योंकि एक प्लेजेंट वे नहीं है टाइम को स्पेंड करने का, ठीक है। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, आप इधर हिंदी में पढ़ लीजिए अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन्वाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, ऐसा कौन सा अगर आप एज अ टीचर हो आप बच्चों से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो तो आप उससे कैसे पूछोगे कि बच्चा क्रिटिकली सोचे उस चीज़ के लिए, ठीक है। इसमें लिखा है फर्स्ट, डू यू नो द आंसर, डू यू नो द आंसर टू दिस, मतलब आपने एक क्वेश्चन दिया, आपने बच्चे से पूछा क्या तुम्हें इसका आंसर पता है। सेकंड है व्हाट इज़ द राइट आंसर। थर्ड है कैन यू थिंक ऑफ सिमिलर सिचुएशन, जो आपने क्वेश्चन दिया उसी के सिमिलर सिचुएशन सोचने के लिए आपने बच्चे को कहा है। फोर्थ है व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अब देखिए हम उसी जो टीचर का उसी वे को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जिसमें बच्चा मतलब मल्टीपली मल्टी एक डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाए, मल्टीपल वे में सोचे, ठीक है। इसमें देखिए व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अब आपने एक प्रॉब्लम दी बच्चे को कि ये प्रॉब्लम है और आपको इसे सोल्व करना है, आपने पूछा आपको इसका आंसर पता है, बच्चा सिंपली एक डायरेक्टिव एक कन्वर्जेंट वे में सोचेगा, उसका आंसर ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। सेकंड है आपने पूछा व्हाट इज द राइट आंसर, बच्चा फिर राइट आंसर देगा, मतलब कन्वर्जेंटली सोचेगा। थर्ड है डू यू थिंक द सिमिलर सिचुएशन, आप सिचुएशन की उसका आंसर ढूंढवाने की कोशिश करो, आप सिचुएशन सिचुआ रहे हो उससे। तो आप फोर्थ ऑप्शन में देखिए व्हाट आर द डिफरेंट वेज विच वी कैन सोल्व दिस, आपने एक सिचुएशन दी, सिचुएशन में आप पूछ रहे बच्चों के इसके तरीके अलग अलग क्या हो सकते हैं जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। तो हर बच्चा अपने अलग अलग विचारों को बनाएगा, अलग अलग उसकी हाइपोथेसिस चलेगी उसमें, तो एक सबसे बेटर वे हो सकता है। इसमें हमारा कौन सा फोर्थ सही होगा। बढ़ते हैं सिक्स्थ वाले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही से डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, बहुत अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है पहले पढ़ने में। चलो सेकंड पढ़ लेते हैं, थीमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट, टेस्ट एंड रैंकिंग, देखो। थर्ड है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट्स, आप लेबल तो स्टूडेंट्स को कभी नहीं करोगे, कभी भी नहीं, ठीक है, स्टूडेंट्स को लेबल करना तुम्हारा काम नहीं है। फोर्थ है प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग एंड रैंकिंग, रैंकिंग लेबलिंग ये एक टीचर का काम नहीं है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ठीक है। तो इसमें हमें फर्स्ट बिल्कुल सही लग रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड इन कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, बच्चे एक साथ लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, मतलब कुछ हाथों से हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है उन्हें, कुछ अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है तो एक साथ ग्रुपिंग में काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग बढ़ रही है, ठीक है।
यही प्रोग्रेसिव एजुकेशन का आजकल सबसे बड़ा एम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो उन्होंने पूछा एक ऐसे स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो एक्सप्लेन करे लाइफ, एजुकेशन लाइफ इटसेल्फ। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कि जो स्कूल एजुकेशन है बच्चे को स्कूल में रखे जितना टाइम तक उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आगे बढ़ने का आपको चांस ही नहीं मिल रहा है ना, कि आप स्कूल के बाद भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, बच्चे अपने एक्सपीरियंस ही सीख सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा स्कूल भी खोल दिए, समझ रहे हो। तो आप थोड़ा वैसा प्रैक्टिकल भी सोचोगे ना तो आंसर बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, समझ गए, कि हम स्कूल की एजुकेशन से, स्कूल की एजुकेशन को बाहर के इन्वायरमेंट से ऐसे जोड़े कि बच्चे को एक ऐसे इन्वायरमेंट मिले जैसे वो बाहर फील करता है, उसको कंजेस्टेड इन्वायरमेंट ना मिले बिल्कुल भी, ठीक है। तो थर्ड आंसर बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो इसको लगा के हम आगे बढ़ते एट्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, जो कोलबर्ग की थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, हिज थ्योरी हैज़ सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कोग्नेटिव मेच्योरिटी एंड मॉरल मेच्योरिटी, बहुत सही, मतलब यही तो उन्होंने कहा था। जैसे आप हाइंस डायलेमा देखिए, हाइंस डायलेमा में वो जब दवाई चुराने गए थे तो बच्चा एक कोग्नेटिवली अपने दिमाग से चोर था, और मॉरली कि उसको इस बात का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसको जेल हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो सेकेंड ऑप्शन भी हम देख लेते, द थ्योरी हैज़ एलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, जो थ्योरी है उसने टेस्टिंग प्रोसीजर जो है उसको एलेबोरेट किया। थर्ड को हम देख लेते हैं, इट इस्टेब्लिश ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। फोर्थ है, हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसफर्स, ठीक है, कि जो बच्चे होते हैं वो एक मॉरल फिलोसफर होते हैं। तो इसमें उन्होंने दिया था, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कोग्निटिव मेच्योरिटी एंड मॉरल मेच्योरिटी, ठीक है। बढ़ते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू ZPD, ZPD एक ऐसा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, एक ऐसा जोन होता है जिसमें हम बच्चों, देखो ये वाइगोत्स्की की थ्योरी थी, उन्होंने 3 ऐसे सर्कल्स बनाए थे, समझिए। तो उन्होंने MKO, ZPD और तीसरा यहाँ पे बताया था। तो MKO में तो हम मोर नॉलेजेबल आ रहे, ZPD में होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि जहाँ पे बच्चे का एक मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके, बच्चे को एक थोड़ा सा हेल्प करने की ज़रूरत है बस, ठीक है। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द फेज वैन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड, द डेवलपमेंट फेज वैन चाइल्ड टेक कम्प्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, ऐसी फेज जहाँ पे बच्चा पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, पूरा कैपेबल होता है अपनी लर्निंग के लिए। थर्ड है, इन ए कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, बच्चे को थोड़ा सा एक सपोर्ट मतलब गाइड करने की ज़रूरत है, बच्चा उस टास्क को कम्प्लीट कर लेगा। फोर्थ ऑप्शन है, द पॉइंट इन लर्निंग वैन सपोर्ट कैन बी विड्रॉ, ऐसा जो पॉइंट है लर्निंग के जहाँ पे हम उससे सपोर्ट हटा सकते हैं, नहीं उस जगह पे उसको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे अपने बच्चे एक पजल बना रहा है, उसको पजल मैच नहीं हो रहा, आप उसको थोड़ा सा हिंट दो तो वो उससे कर लेगा, ऐसे मोड पे, ऐसे पॉइंट पे आप बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करो, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करो तो वो उस टास्क को कम्प्लीट कर लेगा, उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम टेंथ क्वेश्चन पे, एन एंडोग्रेस पर्सनैलिटी, एंडोग्रेस पर्सनैलिटी से आप, मुझे लग रहा है सभी रूबरू, मतलब रूबरू तो नहीं, मतलब सभी जानते होंगे। तो टेंथ क्वेश्चन में होता है, जिसमें वो फेमिनाइन और जो मेल होता है दोनों के जो गुण होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो पाए जाते हैं। बेसिकली इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, इसमें आपको याद रखना होगा, सेकेंड इसका आंसर चाहिए।
बढ़ते लाइन पे, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखो कितने एक्सेप्ट, नॉट, लिस्ट एंड कैन नॉट, इससे क्वेश्चन आ रहे, तो आपको इन पे बड़ा ही ध्यान दे के चलना है, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं अभी, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल, जेंडर रोल एक्वायर करते हैं, एक्सेप्ट, फर्स्ट ऑप्शन है मीडिया, सोशलाइजेशन, कल्चर एंड ट्यूटरिंग, बताइए। मीडिया, देखो मीडिया करती है, मतलब मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जेंडर एक्वायरी, जो वो होता है जेंडर रोल, उसको एक्वायर करने में। थर्ड है सोशलाइजेशन, फोर्थ है कल्चर एंड थर्ड है कल्चर, फोर्थ है ट्यूटरिंग। एक ट्यूटरिंग में भी होता है, लेकिन एक जो हम मान सकते हैं ना, ये एक ऐसा रोल है जहाँ पे हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई हक नहीं होता। जैसे अगर बॉयज़ आए, बॉयज़ कभी एक नो डिस्क्रिमिनेशन प्लेस होता है, बेसिकली किसी भी बेस पे हम किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बढ़ते 12th क्वेश्चन पे, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज़ बिन दैट, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट का क्रिटिक्स क्या है, ठीक है। दे प्रजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयर फॉर बाइज्ड, ठीक है। थर्ड, सेकेंड है देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है समझने के लिए, ठीक है। द टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, के जो टेस्ट है वो हम एक लार्ज ग्रुप में उसको कंडक्ट नहीं करा सकते। फोर्थ है दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर्स ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी, ठीक है। अब आप इसमें सही से आंसर दे दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हम उसमें एक चाइल्ड्स की स्टैंडर्डाइज टेस्ट बेसिकली होता है कि जब हम सपोज आपके स्कूल में पेपर हो रहे हैं, ठीक है, आप एक तो स्कूल में टीचर्स ही पेपर बनाते हैं जो, और जो बाहर से पेपर बन के आते हैं ना, अगर CBSE बना रही है, NCERT आप पेपर बना रही है, उसमें एक्सपर्टीज बैठ के बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक सबके लिए, पूरा इंडिया के लिए पेपर बनाएंगे बेसिकली, तो उसमें ये तो नहीं है कि दे डू नॉट गिव क्लियर पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका क्रिटिक्स नहीं है। तो फर्स्ट हम ऑप्शन पढ़ते हैं, दे प्रेजेंट लार्जली टू मेन स्ट्रीम कल्चर आर देयर फॉर बाइज्ड, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है, समझ गए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से दैट, फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल इंटेलिजेंस, बेसिकली जब हम अलग अलग तरह से सोचते हैं, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलेटेड। सेकेंड है इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, इंटेलिजेंस कई तरह का हो सकता है। थर्ड है पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। फोर्थ है इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी। तो आप 13th क्वेश्चन का मुझे बताइए, मल्टीपल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कौन सा सही है। मल्टीपल इंटेलिजेंस बेसिकली होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देख लीजिए, जिसमें हम एक से ज़्यादा चॉइस रखते हो, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास होते हो। तो इसी तरह मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, इंटेलिजेंस होता है सेवरल काइंड्स का हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए जो वो थे हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने 9 से 10, 11 तरह के पेपर वो इंटेलिजेंस दिए, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस स्पाइटल इंटेलिजेंस, ठीक है, और लैंग्वेज इंटेलिजेंस की तरह जो पोएट होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, मतलब इंटेलिजेंस सेवरल काइंड भी सेवरल काइंड्स। 14th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टीचर्स कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समझ गए, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आपको डिफरेंस पता ही होगा, ठीक है। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो बिफोर लर्निंग होता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आफ्टर पोस्ट लर्निंग, बेसिकली जब आप टीचर पढ़ा चुका होता है वो तब उसका लर्निंग का असेसमेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम जाते हैं नोज चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। सेकेंड है नोज लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड्स एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, ठीक है। थर्ड में जाते हैं असेस चाइल्ड परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल एंड कैटर सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में हम जाते हैं मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसके लिए जो होता है टीचर मतलब असेस करता है चीज़ों को, तो उसमें होता है कि नोज चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल्स,
है, उसमें बच्चे के जो चिल्ड्रंस की प्रोग्रेस है और उसके अचीवमेंट लेवल को असिस करता है। बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे जो आज के लिए लास्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। आज आप देख लीजिए, नोस्ट कैन नॉट लिस्ट एट लीस्ट, कितने सारे क्वेश्चन हैं ये, तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं अगर उनको सही से नहीं पढ़ते। तो कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के बारे में कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, इट हैज़ बीन मैंडेट बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, कि ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने मैंडेट किया है। सेकंड में, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। थर्ड में पढ़ते हैं, इट फोकस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट एरियाज, कि ये चाइल्ड्स जो बच्चे होते हैं उनके अचीवमेंट पे फोकस करता है अलग अलग एरियाज में, ठीक है। फोर्थ है, इट हेल्पफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर इंटेलिजेंस। किसी भी थ्योरी में ये नहीं कहा गया कि हम बच्चों को लेबल करें, ठीक है, डल, पुअर, एवरेज और बेटर, इसमें बच्चों को लेबलिंग करने का किसी भी थ्योरी में नहीं कहा गया, तो सरासर ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारे लिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।